Hey everyone, so it's time 2:30 morning in the AM, and our meetup time is around 4:30 to 5 AM in that Yalahanka. So why I wake up early, because there are a lot of things I need to do. थोड़ा खाना भी बनाना है, चाय भी बनानी है और नहाना भी है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है. तो वेदांश ने कहा था हम किसी मंदिर भी जाएंगे, तो फॉर दैट रीज़न आई विल डू ऑल दिस थिंग्स. तो और उसके अलावा मुझे राइडिंग गियर्स भी पहनने हैं और कैमरा वगैरह भी सेटअप करना था. दैट्स व्हाई आई वोक अप अर्ली. सो खाने में तो मैं सोच रहा हूँ फ्राइड राइस बना लेता हूँ, दैट वुड बी एन ईजी ऑप्शन. एंड चाय बना के रख लेता हूँ साइड में. जब तक मैं काट लेता हूँ ये ख़त्म कर रहा हूँ आप लोगों को. तो एक्चुअली लाइट चलेगी तो चाय भी हमारे रेडी है, कुछ रेडी है और ये पोहे रेडी है. तो लाइट आने का वेट करता हूँ, लाइट नहीं है तो प्रॉब्लम तो मुझे भी बहुत होगी. इसको जल्दी से ख़त्म करके नहा के तैयार हूँ. सो एज आई वॉज सेइंग कि खाना बन चुका है, तो ये है पोहे जो कि हम खा सकते हैं ऊपर फोर्ट, क्योंकि वहाँ पे ऊपर खाने को तो कुछ मिलेगा नहीं. लास्ट टाइम भी यही हुआ था, चाय तो थी हमारे पास बट खाने को नहीं था, तो भूख लगा थी ऊपर. तो उसके लिए अब इसको फटाफट टिफिन में डाल के पैक करके जैकेट वैकेट पहन के नीचे बाइक के पास मिलता हूँ आपको. जय बाबा बजरंग बली, जय पुत्र जय महाराज, जय मां जी. सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वॉचिंग राइडिंग एंड टेक. सो इट्स द फर्स्ट लाइक राइडिंग ब्लॉग विद द हेल्प ऑफ डीजे एक्शन कैम 3. भाई लाइटें देखो कितनी लगा रखी हैं, गणेश चतुर्थी है ना आज, इस वजह से. तो ये डीजे एक्शन कैम 3 का पहला ब्लॉग है. आई एम लाइक श्योर लाइक अभी फुटेज है वो बहुत गंदी आ रही, बिकॉज आई एम शूटिंग इन 1080p 60fps. 2.7K में मेरा फर्स्ट ब्लॉग हो तो मुझे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि स्टोरेज कितना चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग राइट नाउ इन 1080 पिक्सल. डे नाइट में तो सॉरी डे लाइट में तो 1080 पिक्सल भी सही लगता है, बट नाइट में यस्टरडे आई चेक 2.7 के और 1080 पिक्सल में ज़्यादा फ़र्क है नहीं. अगर मैं नाइट की बात करूँ तो वाइब्रेशंस काफ़ी आती हैं, तो मुझे सेटिंग्स चेक करनी पड़ेंगी. वट आर द सेटिंग दैट आई नीड टू मॉडिफाई. सो टेक्निकल बातें बहुत होगी, अब चलो आ जाते हैं अपने राइट पे. तो एज प्लान हम जा रहे हैं अंबाजी दुर्गा फोर्ट, दैट इज़ कैलासिरा हिल समथिंग, आई एम नॉट श्योर द नेम. सो वहाँ जा रहे हैं, मीटअप पॉइंट है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर येलहंका के पास, एयरपोर्ट रोड पे कह सकते हो आप, एयरपोर्ट रोड पे ही NH 44. तो वहाँ पर है और पेट्रोल के भी तो खैर 3 हैं, मैं डला सकता हूँ बाद में भी. तो ठीक है फिर पेट्रोल मैं वहीं डला लूँगा उससे मिलने के बाद, 25 किलोमीटर तो आराम से जाएगी.
जल्दी तो जाएगी पर मैं डिलाई लूँगा, क्यों रिस्क लेता हूँ, छोड़ो। तो अभी रात को दिखाना कुछ फ़ायदा नहीं है, एक बार पेट्रोल पम्प डला के फिर मिलता हूँ आपसे हाईवे पे। शिट यार, सुबह सुबह नुकसान हो गया। चलो शुक्र है स्क्रीन को तो कुछ नहीं हुआ। यार फ्लैशर ऑन करके चल रहा है सामने वाला भी। पेट्रोल पंप यार मैप में तो नहीं दिखा रहा कोई मुझे। आई डोंट नो हाउ द वॉइस इज कमिंग नाउ इन दिस विंड नॉइस। और मैं थोड़ा जब 80-90 पे क्रूज करूँगा तब भी चेक करूँगा कि हाउ द साउंड इज कमिंग। पेट्रोल पंप आ गया, वैसे डलवा लेता हूँ पेट्रोल। आज तो क्या ही एवरेज मिलेगा, मिक्स कर दिया मैंने। ऑप्शन था नहीं कुछ देना, तो मुझे नॉर्मल था, पर ठीक है। तो यार मैं सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हूँ और वेदांश पहुँच गया, मुझसे पहले पहुँच गया। कैसे? शायद मैं सीटी में से होके आया हूँ ना इस वजह से। चलो अभी पहुंच जाते हैं जल्दी। ये खड़ा क्या हुआ? क्या दोनों ब्रेक मारेगा? एबीएस काम नहीं कर रहे। डर गए तो जल्दी कैसे आ गया इतना साले? अच्छा मैं रुका बहुत जगह, मेरे साथ कांड हो गया पता है तुझे। देख, हे हाय ब्रो सचिन है। हाँ यार वीरेश अर्ली, यही वेदांश सचिन से। चलो तो भाई सचिन भाई हमको मिल चुके हैं यहाँ पे यलहंका के बाहर। नाउ लेट्स बिगिन द गेम। तो ये आ गया आज का पहला टोल नाका। इस टोल पे भी भाई बहुत बार रुका हूँ मैं मीटअप के लिए। अरे ये खुला खुला एरिया देख के ना मजा आ जाता है बेंगलोर वालों को, इतना तो देखा नहीं कभी। अब यहाँ से डिस्टेंस हमारा रहता है करीब करीब 53 किलोमीटर। 1 घंटा 10 मिनट गूगल दिखा रहा है, वहाँ पर हम भी जल्दी कितना ही पहुँच जाएंगे। क्योंकि जल्दी इसलिए नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि हमको रुकना है चाय के लिए। चाय मैं लेके आया हूँ, चाय पियेंगे आराम से। भूख लगी होगी तो खाना भी खा लेगा वेदांश, वैसे तो वो चिप्स लेके आया है। खाने पीने का टेंशन नहीं है भाई, मेरे को चाहिए ये नाइट वाली फील है। जो फील आती है ना रात को निकलने में, जब ना तो कोई आसपास ट्रैफिक होता है ना कुछ, और भाई साहब बस तुम और तुम्हारी बाइक और तुम्हारी स्किल्स, ये काम आती हैं ऐसे रात के मौसम में। हाँ स्किल्स भी वैसे क्या ही है,
यहाँ पर कई स्किल्स दिखाने को मिल रहा है। स्किल्स तो वहाँ मिलेगी ऑफ रोड में, बस गिर ना जाऊँ मैं, क्योंकि कुछ भी कहो है तो स्पोर्ट्स बाइक की बुलेट का कंपैरिजन तो कर नहीं सकता इससे। वी केम वेरी अर्ली, आई थॉट वी विल बी लेट, इट्स वेरी अर्ली। आजा, क्या 40, हाँ 10 किलोमीटर बाद टी लेते, ठीक है। तो भाई साहब ये है आके सुनसान रास्ते, ये तो फिर भी कुछ नहीं है, शिवाना समुंदर गया था ना तब तो कोई फॉरेस्ट था उसके अंदर से घुसा दी थी वहां पर रात को, वार्निंग ले रखी आगे एलिफेंट चीता इनकी क्रॉसिंग है। मैं बोला फक चीता चीता, अगर गलती से भाई खराब होगी तो ओ भाई ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए ना, तो भाई ऐसे एक्सपीरियंस है इंसान का भाई वो होता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है, कलेजा मजबूत होता है और तो क्या ही है। वेरी इजी ओह ओके तो भाई ऐसी सुनसान जगह थी ना, मेरे को आ जाती पूरे ये पूरे गांव जैसी वाइब है यहाँ पे ना, गांव भी है यहाँ पे, दूर दूर तक सुबह के टाइम ना आदमी ना आदमी की जात, सिर्फ कुत्ते। तो यहाँ पे भाई मैं स्लो ही चलाता हूँ क्योंकि ना पीछे भी बहुत सारे ब्रेकर्स ऐसे थे जो मुझे लास्ट मोमेंट पे आके पता लगे हैं, और ABS ना होने की वजह से ब्रेक्स इतने पकड़ नहीं रहे अच्छे से। जैसे कि शायद छोटा सा ब्रेकर है क्या, नहीं जाने मेरी। सो वी आर जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। अब इस ट्रक का मैं क्या करूं, ना तो लेफ्ट चल रहा है ना राइट चल रहा है। फाइनली बच गया यार ये ABS यार। मरवाएंगे किसी दिन मुझे। भाई साहब ऊपर देखो बादल। भाई ऑफ रोड ही है यार ये तो। ओ भाई साहब पहली बार ऑफ रोड पे आ रहा हूँ, मतलब मैं वो भी डोमिनार के साथ, बुलेट के साथ भी नहीं। बच्चे पीछे आ रहे हैं पापा को फॉलो करते हुए। मैं देखो जहाँ भी यहाँ पे तो इनका जो व्यू मैं ही हूँ।
इधर इधर गो 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 गो। जा 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 जा, गलत कर लिया मैंने, यहीं रोक के। नहीं नहीं हो गया, ऑफ रोड बाइक होनी चाहिए यहाँ पे। क्या हुआ इसको? होता तो नहीं है, मैंने गलत मैप नहीं देखा मैंने। रोकना मत, खींच के लिए खींच के। रुक जा पीछे जा, एक स्ट्रेच में लेके आ, खींच ले सीधा। हाँ है, कम इन वन स्ट्रेच ब्रो। भाई वो पीछे जा रहे थे ना, मेरे फट गई थी पैंट, गई खाई में। चला के देख अभी इसमें, यहाँ पे पैंट पता लग जाएगा तुझे, ये मजे है इसमें। तो वही ताज़ा अपडेट ये है कि हम आ गए थे गलत रास्ते से, ये रास्ता पैदल चलने लायक नहीं है, हम इस पर ले आए बाइक, अब हम जाएंगे सही रास्ते पे।